हेलो जी, मेरा नाम संजय है और यह है मणिपुर। हमारे पास ही है मगर मैं वहाँ कभी जा नहीं पाया। नहीं, इसको रिफ्रेज करता हूँ, मैं वहाँ कभी जा नहीं पाया था। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ वो मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे, रुके ढुके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ वो मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे, रुके ढुके मुझे कोई भी यहाँ। हेलो जी, तो सारा सामान हमने गाड़ी में डाल लिया है और अभी हम लोग निकल चुके हैं मणिपुर के लिए। इस ट्रिप पर हमारे साथ है निकेन भैया और सुरजीत। तो हंसते खेलते खाते पीते हम लोग जाएंगे और शाम तक हम लोग मणिपुर पहुंच जाएंगे। हेलो जी, तो अभी हम लोग जिरीबाम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने कर लिया अपना रजिस्ट्रेशन। यहाँ से मणिपुर वैसे स्टार्ट हो चुका है। चल, जो पहाड़ वाले एरिया है वो थोड़ा जारी जारी जारी। अभी हम लोग एक बहुत सुंदर से लोकेशन पे आए हैं और यहाँ पे हमने फोटो खींचा है। बहुत ज्यादा सुंदर से नजारा शुरू हो गया। ये देखो भाई, रास्ता थोड़ा सा खराब है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग अभी नुंगा में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने वाले हैं क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। मन तो बहुत कुछ खाने को है, मणिपुर जाके खाएंगे, अभी वेज खाएंगे रास्ते में। तो लंच करने के बाद हम लोग घूम ही रहे थे कि हम लोग को निकलना पड़ा क्योंकि अभी धूप बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे। 127 किलोमीटर मगर तो लंबी जमे मीनार से। मैं तो कब से सो रहा था और अभी जब मैं उठा तो मुझे पता चल रहा है कि हम लोग ये जो पुराना वाला रास्ता है उस पे आ गए और यहाँ पे रास्ता थोड़ा खराब है इसलिए टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। हम लोग अलग ही दुनिया में आ गया है, ये इम्फाल नहीं हो सकता। तो अभी चलते आगे, मैं चलाऊंगा अभी थोड़ा। लोग तक से कदम ले रहे हर शुरू हो रहा है वहां से यहाँ से। हे हे चलो ना ढूंढे शहर एक नया। वेलकम टू इम्फाल। तो अभी हम लोग पहुंच गए रूम पे। हेलो जी, तो दिस इज डे वन एट मणिपुर। वेदर हियर इज सो नाइस, बहुत ठंडा है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग को जहाँ पे रह रहे हैं वो टाउन के पास ही है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो यहाँ से जो स्मेल आती है ना खाने की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये है ना हॉटपॉट एंड दिस इज द बिल्डिंग, यहाँ पे ये रूम है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज का बहुत सारा प्लान है, बहुत सारे लोगों से भी मिलना है। अभी हम लोग लंच के लिए कुछ बनाएंगे, प्लान ये है कि हम लोग सोयाबीन बनाएंगे। अभी सोयाबीन तो है नहीं तो अभी मार्केट जाना पड़ेगा। गाड़ी से मैं पर्स लेना भूल गया हूँ तो अभी वापस फिर से जाना पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, इधर भी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है। तो सोया चंक हमने ले लिया है लेकिन मैंने अभी बस फोन करके बताया कि ऑयल भी चाहिए। ऑयल होपफुली ना उस पहले वाले दुकान में हमको मिल जाएगा। हेलो जी, तो हमको जो है ना मिल गया है रिफाइंड और ये सोया चंक। ये रास्ता भी इतना बड़ा है भाई, इतना रास्ता हम लोगों को कम ही देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग जो है ना निकलने वाले पहले डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे कार वॉश में। बहुत सारे हैं लेकिन मैप में ये सब क्लोज दिखा रहा है। एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बहुत सारा, बहुत सारा, सॉरी बहुत ज्यादा। अरे कंफ्यूज कर रहा है, अरे कंफ्यूज कर रहा है। तो ये वाला जो कार वॉश है ये फ्री था। दिस इज कॉल्ड मंगन पोक्पा और ये अयांगपल्ली मुत्तुम लेका है। आई डोंट नो कहाँ पे है बट है, ज्यादा दूर भी नहीं है। अजीब है, तो गाड़ी साफ हो चुका है और हम लोग अभी गोविंद जी मंदिर पे आया है। आया हूँ, क्या बढ़िया लग रहा है, आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1। मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे,
मैं पहली बार अंकल आंटी के साथ आया था, तो ये बहुत सुंदर लगता है, वाइड में ग्रैंड, कुछ अलग ही नज़ारा है, बहुत सुंदर है, इतना बड़ा टेम्पल आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है, बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं, दिस इज लुकिंग सो नाइस। तो ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये घंटी है वैसे बजाएंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सुंदर, लेकिन इधर आके देखो बस एक बार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो पहला लोकेशन हमारा हो गया और अभी हम लोग चलते हैं दूसरा लोकेशन पे, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है चलो। तो अभी हम लोग जो कंगला में आ चुके हैं, और कंगला के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इम्फाल आए और कंगला नहीं गए तो इम्फाल आए क्यों, ये बताओ लड़के। अब कंगला में मिलती है हमें साइकिल्स, और हमें लगा कि दो साइकिल से हो जाएगा, लेकिन दो साइकिल से नहीं हो रहा है, दो और साइकिल लेना पड़ेगा। हमारे साथ दीदी आ गई है। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? स्टेंसी। अब सबके पास साइकिल आ चुकी थी, तो यह फुल सिस्टम के साथ हम लोग निकले कंगला घूमने के लिए। सिक्योरिटी काफी टाइट होने की वजह से ना हमारा ट्राइपॉड ले लिया है, काफी सुंदर तो है बट क्या करें, कैमरा नहीं अलाउड है। और पीछे जो है ना दो बड़े बड़े मूर्ति दिख रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम लोग कंगला के अंदर है, एंड दिस इज हाउ इट लुक। ये कंगला मैप है, ये लेक है थोड़ा सा। क्या बोलते मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट दिस इज लुकिंग सो गुड। ये टेंपल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ फोटोज भी क्लिक करे, क्योंकि इंस्टाग्राम करके भी कोई चीज होती है ना। तो हम लोग ने कंगला फोर्ट भी देख लिया, बहुत ही मजा लग गया। और थैंक यू चीचे को। ओके, वेलकम, नमस्ते, बाय। हेलो जी, तो हम लोग आए डीएम कॉलेज के पास, और हमारे साथ सूर मौजूद है। सूर मौजूद है, अब बोलेगा जो भी बोलूं पता नहीं। वेदर बहुत बढ़िया है, शाम का टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो यहाँ पे मोस्टली नॉन वेज आइटम्स है, लाइक चिकन एंड पॉक। तो वेज का आइटम थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे को चाउमीन मिला है, तो अभी हम लोग चाउमीन खाएंगे। चाउमीन बन रहा है तो 120 FPS से बनता ही है, ठीक है। तो ये रहे आपके स्क्रीन पर। हेलो जी, तो चाउमीन हमारा आ गया, एकदम बढ़िया फ्लेवर है, और जब तक हम लोग खाते हैं आप ये टाइमलेस एंजॉय करिए। चाउमीन खा के मेरा पेट पूरा भर गया। हावे का मतलब है टेस्टी। हमारा डे वन जो है मणिपुर पे खत्म हो गया, और हमने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया। हेलो जी, तो आज जो है डे फोर है। अब आपको ये लग रहा हो कि डे टू और डे थ्री का आ गया भाई, तो डे टू और डे थ्री जो है ना हमने कुछ लोगों से मिले और एक बर्थडे पार्टी पे गए। मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पर्सनल लाइफ करके भी कोई चीज होती है। हमारा आज आखिरी दिन है, और अभी जो है सुबह सुबह को हम लोग निकल रहे हैं प्री वेडिंग के लिए। पहला लोकेशन में हमारा शूट हो चुका था, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं दूसरे लोकेशन के लिए, यानी कि लोकटक। तो अभी हम लोग जो है ना लोकटक के पास पहुंच चुके हैं।
ह्यूज। ये है लोकताक लेक और ये पूरा वहां तक जा रहा है। एक बोट में बहुत डर लग रहा था, नहीं हो रहा था, तो अभी हम लोग दो बोट को ज्वाइन कर लिया है। डूबते डूबते बच गया। डायल बिन गाय तो इनवाइरी लुटेंगे है और रखेंगे तो यस हाँ लेकिन भी याद रहा बहुत ओपी सीन से बहुत ज्यादा ओपी। मैंने आपको लोकताक नीचे से तो दिखा दिया, अब ऊपर से भी दिखाते हैं क्योंकि सारे पैसे तो ड्रोन के हैं। बुरा लग रहा है आपको? हाँ, रोने का मन कर रहा है। तो अभी हम लोग जो है निकलने वाले हैं। क्या करो, थैंक यू सो मच आपको इधर लेने के लिए। कोई एडिंग बोले तो हम लोग ने काफी टाइम अच्छा स्पेंड किया। करो भैया को बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम वेलकम, आते रहना, अपना ही घर समझना। ओके, अपना ही घर है। हैव अ सेफ जर्नी व्हाइल रिटर्निंग टू होम। इस शहर को छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे दिमाग में वो सारे पल फिर से आने लगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर आए। जो मोमेंट्स हमने एक्सपीरियंस किया और जो जगह पर हम लोग गए, इट इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर मी। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा काम मुझे अलग अलग जगह लेकर जाएगा। तो मेरे दोस्त, एक बात याद कर लो कि ज़िंदगी में कभी भी अगर ये लगे कि कोई काम आपको करना चाहिए या नहीं, तो अपने दिल की सुनो और एक ऐसी ज़िंदगी जियो जिसमें आपको कभी ये ना लगे कि मैंने ज़िंदगी जिया ही नहीं। वो किसी एक महान दानिश्वर ने कहा है ना कि ज़िंदगी तो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू टू एवरीवन। अगली जो वीडियो है वो एक Q&A वीडियो होने वाली है, तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगले वीडियो पे आई विल जस्ट आंसर देम। और पिछले वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा बोल के। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं।